जनसंख्या एवं गरीबी। क्या अधिक जनसंख्या गरीबी का कारण है? इस मुद्दे पर लंबे समय से वाद विवाद चलता रहा है। कई लोगों का मानना है कि संसाधन और उत्पादन सीमित है। यदि इसका उपयोग अधिक लोगों द्वारा किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति को संसाधन का लाभ कम मिलेगा, जबकि उपयोग करने वाले लोग कम हों तो सबके लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होगा। लेकिन मामला इतना सरल और सीधा नहीं है। पहली बात यह है कि उत्पादन और संसाधन कभी स्थिर या सीमित नहीं होते, वे तकनीक पर निर्भर हैं। उदाहरण के लिए, जब लोग लकड़ी जलाकर ताप पैदा करते थे तो उनकी ऊर्जा का स्रोत जंगलों पर निर्भर था, जो सीमित थे। लेकिन जब खनिज, कोयला, खनिज तेल और गैस का उपयोग होने लगा तो ऊर्जा के नए और विशाल भंडार सामने आए और उनके उपयोग से उत्पादन में खूब वृद्धि हुई। अतः तकनीकी बदलाव से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है और बढ़ती आबादी में बांटने के लिए पर्याप्त संपन्नता हो सकती है। दूसरी बात यह है कि किसी समाज में कितना उत्पादन होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ काम करने के लिए कितने लोग हैं और उनकी कार्यकुशलता कैसी है। समाज में अधिक कार्यकुशल, स्वस्थ और शिक्षित लोग होने पर उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अभी रूस में कई दशकों से आबादी कम होती जा रही है और वहाँ की सरकार इससे खुश न होकर आबादी को स्थिर करने व बढ़ाने का प्रयास कर रही है। यह इसलिए क्योंकि पर्याप्त आबादी होने पर ही कारखानों, दफ्तरों व खेतों में काम करने के लिए लोग मिलेंगे और उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। तीसरी बात यह है कि गरीबी साधनों की कमी के कारण नहीं, बल्कि उनके असमान वितरण के कारण होती है। अगर समाज के कुल उत्पादन को सभी लोगों में समान बांटते हैं तो न कोई गरीब होगा और न कोई अमीर। कम आबादी होते हुए भी अगर समाज में असमानता है तो वितरण असमान होगा और कुछ लोग गरीब बने रहेंगे। इसी का परिणाम है कि विकसित माने जाने वाले देशों में भी गरीब आबादी है। अगर हम विश्व स्तर पर इसी समस्या का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि वास्तव में अधिक आबादी वाले गरीब देश जैसे बांग्लादेश, भारत आदि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देशों की तुलना में बहुत कम ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करते हैं। उपर्युक्त तालिका से इस बात की पुष्टि होती है। इसमें आप देख सकते हैं कि भारत, पाकिस्तान, नाइजीरिया जैसे देश के औसत निवासी जहां 1000 किलो तेल से भी कम खपत करते हैं, वहीं विकसित देश के निवासी 2000 से 7000 किलो प्रति व्यक्ति उपभोग करते हैं। यदि हम भारत की पूरी आबादी जितनी ऊर्जा की खपत करते हैं इसकी तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका की पूरी आबादी की खपत से करें तो पाते हैं कि अमेरिका की तुलना में भारत केवल एक तिहाई ऊर्जा का उपयोग करता है। अमेरिका की आबादी भारत की आबादी की मात्र एक चौथाई है, फिर भी वह भारत से 3 गुना अधिक संसाधनों का उपयोग करता है। यह अलग बात है कि भारत में भी सब लोग समान रूप से इन संसाधनों का उपयोग नहीं करते। शहर के लोग, विशेषकर अमीर लोग, एक तरफ तो सुदूर अंचलों के जनजाति, दूसरी ओर कितने संसाधनों की खपत करते हैं यह गणना करना बहुत कठिन है। अगर हम यह मान लें कि अमेरिका के सामान्य मध्यम वर्ग का जीवन स्तर दुनिया के सभी लोगों को समान रूप से प्राप्त हो तो क्या हमारी दुनिया के संसाधन पर्याप्त हैं? शायद नहीं। गांधी जी ने भी कहा था कि धरती पर हर इंसान की ज़रूरतों के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, मगर किसी की लालच के लिए नहीं। इस तर्क के साथ साथ हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि गरीबी और ऊंची जनसंख्या वृद्धि दर के बीच कुछ संबंध जरूर है। 1974 में बुखारेस्ट में हुए जनसंख्या सम्मेलन में भारत ने एक विचार विश्व जनमत के सामने रखा कि विकास ही सर्वोत्तम गर्भ निरोधक है, अर्थात विकास होगा तो आबादी अपने आप कम हो जाएगी। यह देखा गया है कि विकसित देशों में जहां लोगों की शिक्षा और कार्यकुशलता अधिक है
और जहाँ स्वास्थ्य सेवाएं कारगर हैं वहाँ बाल मृत्यु दर बहुत कम है और औसत उम्र भी अधिक है। उन देशों में प्रायः यह भी देखा गया है कि महिलाओं को स्वतंत्रता और अपने जीवन और व्यवसाय के बारे में निर्णय लेने का अधिकार है। इन सब बातों का एक प्रभाव यह भी है कि वहाँ के लोग कम बच्चे पैदा करते हैं। जिन देशों में बच्चों में मृत्यु दर अधिक है, माता पिता को पता नहीं रहता है कि उनके बच्चे जीवित रहेंगे या नहीं, अतः वे दो से अधिक बच्चों को पैदा करते हैं ताकि कोई तो बचेगा। इसी तरह जिन देशों में अधिकांश लोगों को कम वेतन पर काम करना होता है, तो परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाल मजदूरों का उपयोग किया जाता है। यह भी अधिक बच्चे पैदा करने का एक कारण है। माता पिता यही सोचते हैं कि अधिक बच्चे हों तो घर पर अधिक आमदनी होगी। जिन समाजों में महिलाएं शिक्षित हैं और अपना जीवन अपनी रुचि से संचालित करने के लिए स्वतंत्र हैं, वहाँ कम बच्चे पैदा करते हैं और जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी उचित देखभाल भी हो पाती है। कुल मिलाकर यह देखा गया है कि उपर्युक्त मायनों में विकसित समाजों में जनसंख्या वृद्धि दर अपेक्षतया कम होती है। भारत में भी केरल, तमिलनाडु जैसे राज्य हैं जहाँ शिक्षा, विशेषकर महिला शिक्षा और महिला स्वतंत्रता अधिक है, वहाँ जनसंख्या वृद्धि दर कम है। इसका अर्थ यह है कि अगर सभी लोगों तक विकास के लाभ पहुँचते हैं, संसाधनों के वितरण की असमानता दूर होती है, गरीब लोगों तक बुनियादी सुविधाएं एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, तो जनसंख्या और विकास के बीच की खाई कम होगी और आबादी का प्रश्न हल होगा। इस दिशा में हमें अनेक बाधाएं और नीतिगत विसंगतियां दूर करनी होगी तथा ईमानदारी से काहिरा सम्मेलन के बुनियादी विचारों को व्यवहार में लागू करना होगा।